नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये दुनिया का कड़वा सच है कि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके चेहरे पर बुढ़ापा झलकने लगता है। इस बुढ़ापे को उजागर करने में आपके चेहरे की झुर्रियां सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आमतौर पर ये झुर्रियां बुढ़ापे में नजर आती हैं, लेकिन आजकल गलत खानपान और मिलावटी खाद्य पदार्थों के सेवन के चलते ये झुर्रियां बुढ़ापे के पहले ही पनपने लगती हैं। यदि आपके चेहरे पर एक बार झुर्रियां आ गईं, तो फिर ये बड़ी तेजी से बढ़ती चली जाती हैं और आप वक्त से पहले ही अधिक बूढ़े दिखने लगते हो। कई बार धूप के ज्यादा संपर्क में आने से भी झुर्रियां होने लगती हैं। कुछ लोगों की त्वचा काफी ढीली होती है, जिससे झुर्रियों को पनपने में और फैलने में आसानी होती है। ऐसे में आपकी त्वचा जितनी टाइट या कसी हुई होगी, झुर्रियों का आपके चेहरे पर आना भी उतना ही मुश्किल होगा। सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, बल्कि आपके हाथ, गले के आसपास और पीठ की त्वचा पर भी झुर्रियां अपना घर बना लेती हैं। ऐसे में यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं या इसे अपनी त्वचा पर आने से रोकना चाहती हैं, तो आज आपका अच्छा दिन है। आज हम आपको इन झुर्रियों की समस्या से निपटने का एक ऐसा रामबाण इलाज बताएंगे जिसका फायदा देख आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में आधा चम्मच शहद डालें। शहद हमारी त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह हमारे चेहरे पर मौजूद बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और साथ ही हमारे त्वचा को मॉइस्चराइज भी करता है। शहद के बाद आप कटोरी में एक चम्मच ग्लिसरीन को मिला दें। इसके बाद एक चम्मच अंडे का सफ़ेद भाग और एक चम्मच बादाम का तेल भी इसमें मिला दें। इन सभी चीज़ों को चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लें। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस नुस्खे का प्रयोग किस प्रकार करना है। सबसे पहले अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा करने से आपकी त्वचा के रोम छिद्र अच्छे से खुल जाएंगे और ये नुस्खा ठीक तरीके से काम करेगा। अब अपने चेहरे को साफ टॉवल से सुखा लें। इसके बाद इस नुस्खे को अपनी उंगलियों से चेहरे पर लगाएं। आपको इस नुस्खे को लगाते हुए अपने चेहरे की करीब 15 से 20 मिनट तक मालिश करनी है। इसके बाद इसे 15 मिनट और चेहरे पर लगा रहने दें और अंत में ठंडे पानी से चेहरा धो लें। ऐसा आप हफ्ते में 3 या 4 दिन कर सकते हैं। आप एक हफ्ते का नुस्खा एक साथ बनाकर रख सकते हैं, लेकिन उसे किसी टाइट डब्बे में बंद कर रखिएगा, वो भी फ्रिज में। ऐसा कुछ हफ्तों तक लगा करते रहने से आपके चेहरे की झुर्रियां कम होने लगेगी और स्किन भी टाइट हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स द्वारा अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।